अपने सपनों को उड़ान देने के लिए हम हर कोशिश करते हैं, हर प्रयास करते हैं, हर एक तरह से हम पूरी ताकत लगा देते हैं कि अब हमें अपना सपना पूरा कर लेना। जी हाँ, लेकिन उसके साथ अगर आपको धोखा मिले तो क्या होगा? आज जो मैं बात करने वाला हूं, विदेश भेजने के नाम पर 12.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी। जी हाँ, सुबह के 8 बजे हैं और जैसे ही मैं न्यूज़पेपर मेरे हाथ में आया, मैंने देखा तो इसमें एक हेडिंग है जिसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आपको बताऊंगा आज कि जल्दबाजी का नतीजा क्या होता है, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ये घटना है कुरुक्षेत्र हरियाणा। ये हरियाणा की घटना है जिसमें एक व्यक्ति को कनाडा भेजने के नाम पर 12.5 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। जी हाँ, 12.5 लाख रुपए एक मामूली रकम नहीं होता है। अगर हम ये सोचें कि 12.5 रुपए और 12.5 लाख दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर है। आखिर ये घटना क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, आज हम इसी केस पे बात करेंगे। पूरी घटना में बताऊंगा आपको कि कब हुआ, कैसे हुआ और कैसे उस स्टूडेंट्स को, उस बच्चे को इंडिया से लेकर के वियतनाम लोग पहुंचे और वियतनाम जाने के बाद की जो कहानी होती है, उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उसे फ्रैक्चर हो गए, हड्डियां टूट गई। ये पूरा हर एक न्यूज़पेपर आज चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो सावधान आप भी हो जाइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इस तरह का व्यक्ति आपको भी अपने जाल में लेने के लिए तैयार है। विदेश जाकर के सपना पूरा करना कोई बुरी बात नहीं है। हम बाहर के देशों में जाकर के अगर काम करना चाहते हैं तो ये मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट है। लेकिन उसके पीछे अगर धोखा हो, और धोखे में सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें जिस पर हम भरोसा करते हैं, भरोसा किस पे करते हैं, जिसे आप अपना मानते हो, और अगर वही धोखा करे तो शायद बात को सौर हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। कहानी क्या हुआ, एक स्टूडेंट्स जिसका सपना था कि मैं कनाडा जाऊं और कनाडा जाकर के बहुत सारा पैसा कमाऊं और अपने परिवार की हेल्प करूं, अपने लोगों की हेल्प करूं और अपने सपनों को पूरा करूं। देखते ही देखते वह कनाडा जाने की कोशिश में लग गया, कैसे जाऊं, क्या करूं, किस तरीके से जाऊं। अचानक उसे एक व्यक्ति मिलता है जो कहता है कि मैं कनाडा आपको भेज दूंगा, मैं बाहर के देशों में भेज दूंगा, लेकिन आपको इसके लिए वियतनाम होके जाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, इस वजह से डायरेक्ट आप कनाडा नहीं जा सकते। ठीक है, अब वो कहानी क्या होता है, वो व्यक्ति कहता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करना क्या होगा। उसने कहा कि सबसे पहले आप जो है मुझे 1.5 लाख रुपए आप मुझे दे दो ताकि मैं इसे वियतनाम लेके चला जाऊं। चलो कोई बात नहीं। उसके भाई ने, उस कैंडिडेट के भाई ने क्या किया कि उसे 1.5 लाख रुपए उसके खाते में दे दिया, और खाते में देने के बाद से वह उस बच्चे को लेकर वियतनाम चला गया ताकि अगले को यह विश्वास हो जाए कि हाँ अब तो कहानी बन गई, अब मेरा भाई और मेरा बेटा, ठीक है, और वो अब कनाडा पहुंच जाएगा, वियतनाम पहुंच गए, यहां तक तो कहानी ठीक रहे। वियतनाम पहुंचने के बाद से उस व्यक्ति ने टाल मटोल करना शुरू कर दिया, जो चीटर है, जो फ्रॉड है, वह उसको टाल मटोल करना शुरू कर दिया और फिर उसने पैसे की डिमांड मांगी। अब वहां पहुंचने के बाद जब पैसे की डिमांड की गई कि भाई मुझे इतना पैसा और चाहिए कनाडा भेजने के लिए, आप इस पैसे को भेजो, अगले ने उस पैसे की भी व्यवस्था की, किसी न तरह से करके व्यवस्था किया, और जब वह पैसा उसे मिला, लगभग ये जो है, ये जो बात हुई 12.5 लाख रुपए तक इन सब लोगों ने, इन लोगों का जाल है, एक व्यक्ति मिलता है, दूसरे से मिलाता है, तीसरे से मिलाता है, सब लोगों ने डिवाइड किया और 12.5 लाख रुपए हड़प लिए। अब जब उस स्टूडेंट्स ने बताया कि मुझे वियतनाम में ही रखा गया है, मुझे दिक्कत हो रही है, आप मुझे बुला लो, मेरे साथ मारपीट की जा रही है, मुझे खाने को नहीं दिया जा रहा है, और कनाडा भेजना तो दूर, यहां मेरी बहुत दुर्दशा हो रही है, मेरा मुझे अब किसी भी देश में नहीं जाना है, मुझे कहीं देश में काम नहीं करना है, मैं अपने देश में ठीक हूं, जो मिलेगा नमक रोटी में खाकर के संतुष्ट रहूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की घटना हो रही है और वजह क्या है, अब मैं बात कर लेता हूं इसका वजह क्या है। वजह आपकी जल्दीबाजी, वजह आप इतने जल्दीबाजी आप में लग गए, आप तुरंत बहुत जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं, आप बहुत तेजी से भागना चाहते हैं। देखो, अमीर बनना, बनने के लिए सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर उस दौर में हम कुछ गलत कदम उठा लें, कुछ गलत रास्ते अख्तियार कर लें, यह बहुत बड़ी बात है, यह बहुत गलत बात है।
इसी कमजोरी का फायदा उठा करके इन लोगों ने इस बच्चे को ठगी का शिकार बनाया। लिहाजा वह व्यक्ति गिरफ्तार भी हुआ, क्योंकि गिरफ्तार तो होना ही है भाई, पासपोर्ट वो भी अगर बेअतना उसका भी पासपोर्ट है, सारी चीज है, हर एक चीज अवेलेबल है, तो पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल वो लड़का वापस आ गया है, वियतनाम से वापस आ गया, इंडिया में आ गया है, आपके हरियाणा क्षेत्र में आ गया है। तो आप इसके ये पूरी कहानी, आप हो सकता है अगर आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज के डेट में ये डेट है, आज की मैं बात करूं, आज है आपका ये, आज मैं आपको बता देता हूं ये चीजें, ये दैनिक जागरण के एडिशन में निकला हुआ है स्टेट लेवल का, और पेपर में जो है आज 30 जनवरी 2021 की घटना है, 30 जनवरी 2021 का आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो आप ऑनलाइन भी जाकर के आप इस चीज को सर्च करें तो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी बखूबी, और आप देख पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या करना चाहिए हमें? क्या विदेश जाने का सपना छोड़ दें फिर, या कुछ हम कोशिश ही ना करें? बिल्कुल नहीं, सपना नहीं छोड़ना है, सपना देखा है तो उसे पूरा करना जरूरी है, लेकिन तरीका थोड़ा सा चेंज करना होगा, हमें इंतजार करना होगा और डिसाइड करो कि हम किसी कंपनी के थ्रू जाएं, और फिर कंपनी के थ्रू जाएं, फ्री वीजा पे जाएं, मुझे पैसे ना भरना पड़े, इन दलालों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, इन बेईमानों के चक्कर में ना फंसना पड़े आपको। तो आई होप कि आप सतर्क रहिए, सावधानी है वीडियो आपकी जागरूकता के लिए मैं दे रहा हूं, सावधान रहने के लिए दे रहा हूं कि कहीं आपके साथ इस तरह की घटना ना होने पाए। पैसा जाएगा फिर उसके बाद से आपका शरीर भी खराब होता है, मारपीट हुआ, फ्रैक्चर हुआ, तो कई तरह की घटनाएं होती हैं, और फिर किस तरीके से क्या कंडीशंस हैं, हर आदमी के कंडीशंस अलग अलग है। हर आदमी के पास अगर इतना ज्यादा पैसा होता, इतना ज्यादा दौलत होता, तो फिर वो बाहर नौकरी करने की नहीं सोचता, वो अपने आलिशान से किसी कंपनी और फैक्ट्री बना करके बैठ कर कमाता। तो परेशानियां तो हैं, कहीं कोई दिक्कत तो दिक्कतें भी हैं, परेशानियां भी हैं, तो हमें सावधान होकर काम करना है ताकि कहीं आप शिकार ना हो जाए। तो जल्दीबाजी नहीं करना है, इंतजार करना है, पहले कुछ दिन काम करिए, कंपनी भेजती है, आप ये डिसाइड कर लो भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा कनाडा, मैं नहीं जाऊंगा दुबई, मैं नहीं जाऊंगा कुवैत, कोई बात नहीं, जब होगा देखा जाएगा, यहां तो काम कर रहे हैं ना। क्या जो लोग दुबई और कनाडा नहीं जा रहे वो इंडिया में नहीं काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप इस चीज को सोचिए, समझिए, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। मेरा मकसद था आपको जागरूक करना, इस तरह की फ्रॉड हो रहे हैं, इस तरह की चिटिंग हो रही है, उससे सावधान हो जाइए। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।